स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कैदियों के लिए चेन्नई महिला संघ द्वारा एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। पहले मैच में भाग लेने वाले हैं हमारे मशहूर चैंपियन मिस्टर जो। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां जो बॉक्सिंग का मुकाबला हुआ उसमें विजेता बने हैं हमारे द ग्रेट जो। रुक जाओ, ये तो सरासर अन्याय है भाई। कैसा अन्याय? और नहीं तो क्या, एक लुकड़े मरियल आदमी से लड़ोगे तो कोई भी जीतेगा, इस तरह जीतने से क्या फायदा है? इस जीत को हम नहीं मानेंगे। अगर हिम्मत है तो हमारे आदमी से लड़ो, फिर देखते हैं। कौन है वो? कौन है वो? तो शेरों का शेर है, महावीर है, मुकद्दर का सिकंदर है। जल्दी पहन लो। छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। छोटी सी खरोच आई है और ये तो बेहोशी हो गए। लगता है कोई पॉइजनस चाकू होगा। मैं सब संभाल लूंगा, आप जाकर प्राइस दे दीजिए। आज यहां जो हमला हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूं। कुमारी चित्रा पर जो चाकू फेंका गया था उसे रोककर मोहन ने उनकी जान बचाई, उसके लिए मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं।
जो किसी की जान की कदर करता है वो गुनहगार कैसे हो सकता है? ये कैदी कैसे बना, ये मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। खैर, हमारे मोहन ने जो को हराकर जो जीत हासिल की है उसके आदर में मैं इसे गोल्ड मेडल से सम्मानित कर रहा हूं। अरे, इतना बड़ा प्लान करके चित्रा को मारने के लिए तुम्हें भेजा था और तुमने पुलिस के ऊपर ही वार कर दिया बेवकूफ। चित्रा को मारकर उसकी बहन को मंगलसूत्र बांधकर करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बनना था मुझे, और तुमने मेरे इतने अच्छे प्लान का सत्यानाश करके रख दिया बेवकूफ। ये लो चॉकलेट्स, ये लो, तुम भी लो, लो बेटा, तुम भी लो, ये लो, तुम सब ले लो। मालिनी, हर शुक्रवार आप आती हो, हमें बहुत खुशी होती है। आपके सपोर्ट की वजह से इस अनाथ आश्रम को मुश्किल नहीं आएगी। चिंता मत करो सिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सिस्टर, बड़े बड़े मंदिरों में दान देने से इन बच्चों को देना उससे भी बड़ा पुण्य है। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सभी मैनेजर्स करेक्ट टाइम पर आ गए हैं, वेरी गुड। ये मत समझना किसी डिनर पार्टी या किसी फैमिली फंक्शन के लिए बुलाया है। मेरे पिताजी होटल्स, थिएटर्स, अपार्टमेंट, स्कूल, इतने बड़े व्यापार साम्राज्य का मुझे वारिस बनाकर गए हैं। मैंने हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स बनाए हैं। भले ही मैं इसे डेवलप करूँ ना करूँ, पर इसका नाम और इज्जत मैं बरकरार रखना चाहती हूँ। मैडम, इसमें नाम खराब होने जैसा क्या हुआ है? मैं अपार्टमेंट मैनेजर हुआ तो क्या हुआ, आपके पापा का क्लोज फ्रेंड हूँ। क्या हुआ मुझे बताइए, मैं पूछता हूँ, बोलिए मुझसे। मिस्टर कोलदा पिल्लई, सुबह संभाल कर बात कीजिए, आप रिश्तेदार नहीं, इनके नौकर हैं। ये प्यार का फील है, वो ऑफिस में नहीं चाहिए। ओके ठीक है, चलेगा बाबू। व्हाट? ओके मैडम। हाँ मिस्टर मानिकम। यस मैडम। आपके मैनेजमेंट में चलने वाले होटल में स्मगलिंग और प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। नो, डेफिनेटली नॉट मैडम, जरूर कोई झूठी कहानी बना रहा है। मैडम लुक, पुलिस अथॉरिटी ने मुझे पर्सनली लेटर लिखा है। बेटी, मेरे बारे में कुछ कंप्लेन है क्या? एक छोटी कंप्लेंट है। अरे बाप रे, छोटी सी कंप्लेन। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर आइए ना, आइए ना। बात यह है बेटी कि एक सोप कंपनी से एक लड़की आई थी और सोप कैसे लगाया जाता है ये बताया। सोप लगाना किस लिए? नहाने के लिए। उसने मुझे कपड़े उतारने को कहा, मैंने भी कपड़े उतार दिए। फिर उसने बोला अपना पीठ दिखाइए, मैंने उसे घूमकर अपना पीठ दिखाया। उसने अपने हाथों से मेरे पीठ पे रगड़ रगड़ कर साबुन लगाया और फिर उसने मुझे आगे घूमने को कहा और सीने के आसपास भी साबुन लगाया। उस दिन से सब लोग मुझे ना गलत समझ रहे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। रबिश। मिस्टर आनंद। मैडम, हमारे गारमेंट बिजनेस में पहले जैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों? कंपटीशन ज्यादा हो गया मैडम, अपने में कम पैसों से ड्रेस सप्लाई करके बिजनेस पकड़ रहे हैं। ओह आई सी, ठीक है, पर उसे बीट कैसे कर सकते हैं? इट इज वेरी सिंपल, दूसरी कंपनियों को बुलाकर पार्टी रखकर उन्हें पैसा देंगे, तब हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा ना, तब भी वो लोग उसकी तारीफ करेंगे। व्हाट डू यू मीन? अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे तो कोई विश्वास कैसे करेगा? एक झूठ को अगर बार बार सच बोला जाए तो वो सच बन जाता है।
मिस्टर कैलाश, यू आर वेरी क्लेवर। इसीलिए तो तुम्हारे पापा ने मुझे सब कंपनियों का मैनेजिंग कंट्रोलर बनाया है। इसीलिए आपके मैनेजमेंट में हर तरफ अन्याय चल रहा है। लुक, ये सबको लास्ट वार्निंग है, आज के बाद मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मेरे सभी मैनेजर्स ईमानदार हो, मेहनत से काम करें, यही मुझे चाहिए। अगर मेरे कहने के मुताबिक ये सब नहीं हुआ तो तुम सबको काम से निकाल फेंकने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। That's all. Okay. ए चित्रा, रुको जरा। कल रात को भी तुम इतनी लेट आई और आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दीदी, कल जेल में ना मैं एक कैदी से मिली। अच्छा पढ़ा लिखा कैदी था। कैदी से? हाँ, अच्छा पढ़ा लिखा था और डिग्री लिया हुआ। अच्छा कैदी, उसको सब लोगों ने बॉक्सिंग के लिए प्रेज किया, तो उसने क्या बॉक्सिंग किया, क्या नॉकआउट दिया दीदी, वाह क्या टक्कर से टक्कर था वो, वाह। इधर देखो जरा, अगर लड़कों के ऊपर ज्यादा ध्यान दो तो लड़कियों को हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है। ओहो दीदी, क्या तुम्हें पता है मेरी जान को बचाने वाला यही तो वो कैदी था। जान को बचाने वाला? हाँ दीदी, तुम्हें याद है दीदी जिसने मुझ पर जहरीला चाकू फेंक कर मारा था? ये क्या बोल रही हो? हाँ दीदी, इस हीरो कैदी ने मुझे वक्त पर आकर ना बचाया होता तो आज तुम्हारी बहन खत्म। हे भगवान, उसी को थैंक्स करने के लिए मैं जा रही हूँ दीदी। चित्रा बाय दीदी। ओके मैडम। थैंक यू सर। नमस्ते। पहचाना? हाँ बोलो। कल आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। जो लोग मुझ पर एहसान करने की बात करते हैं मैं उनकी मदद कभी नहीं करता। अगर आपकी जगह कोई बूढ़ी औरत भी होती तो भी मैं उनकी मदद करता। तो फिर आप ही बताइए ना, मैं आपके लिए क्या करूं? पैसे देना चाहती हो क्या? पैसा थोड़ी ना बोल रही हूँ। तो फिर आप जो भी कहेंगे वो करूंगी। मेरी एक ही ख्वाहिश है। क्या? यही कि तुम यहां से निकल जाओ। ये पैसे वालों की तारीफ और शुक्रिया अदा वगैरह, इन चीजों पर मुझे विश्वास नहीं है। आपकी सोच और आपकी सारी बातें सिर्फ एक दिखावा है। ये पैसे वाले गरीबों को पैसे देते सिर्फ उन्हें मिटाने के लिए, मगर मैं उनमें से नहीं हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सो आप जा सकती हैं। और एक बात, यहां फिर कभी मत आना। क्या हुआ मैडम, गए तो खुशी से थे और आ उदास रहे हैं। नहीं सर, ये अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। उसके जीवन में कुछ हुआ है, यही उसका नतीजा है। मोहन ने खुद बताया है। एक बहुत बड़ी कंपनी में मोहन काम करता था। एक बार नाइट ड्यूटी करते समय उसके ड्रिंकर मालिक ने एक लड़की को रेप कर दिया। तब मोहन ने उस मालिक को मारकर उस लड़की की इज्जत बचाई और खुद ये कबूल भी किया और सब कुछ सच सच बताया। पुलिस रिपोर्ट में मोहन ने खुद कहा कि मैंने ही मालिक को मारा है, ऐसे कोर्ट में उसने प्रूफ भी दिया। अदालत ने मोहन को 5 साल की कड़ी सजा दी, इसलिए उसे इस बात को लेकर गुस्सा नहीं आया। इसलिए अमीरों को देखकर उसे गुस्सा आता है। लेकिन मैंने तो पैसे का रूप दिखाया नहीं। योर पर्सनैलिटी ड्रेस, इसी से पता चलता है। क्या सर, आजकल गरीबों के पास भी ऐसे कपड़े होते हैं। अच्छा सर, उसे कब छोड़ेंगे? छोड़ने का पूछ रहे हो? 2 दिन में छोड़ देंगे। 2 दिन में मतलब फ्राइडे को? क्यों, उस दिन आपका बर्थडे है क्या? नहीं सर, ये बाहर निकलेंगे, वही मेरा अच्छा दिन। ओ मेरा कैदी तेरा प्यार। Thank you.
प्यार की है रात, तू दे दे मेरा साथ, डूबे प्यार में हम जाने जा। ओ जानम मेरी रानी, आ कर ले हम कर प्यार, देखो मिलने को ये दिल कब से है बदन। पाने को तुझे दिल दीवाना मेरा मचले, झूले तू ये बदन, है मुझे तेरी लगन, बाहों में अपनी तू आजा मुझे भर ले। कर ले तुझे प्यार सनम, करीबा तू और सनम, होश में जन्नत लगे। जानम तेरे राजा, कर ले मिलने को हम दोनों है बेकरार। ये तो प्यार की है रात, तू दे दे मेरा साथ, डूबे प्यार में हम जाने जाना। जानम मेरे राजा, कर ले प्यार, देखो मिलने कर रही है। तू मुझे धोती पहना कर किधर ले जा रही है? आओ ना मामा। क्या मामा, कमाल की बात हो गई, इतनी बड़ी पैसे वाली मुझे मामा बुला रही है। अरे बाबा, अब तो मैं भी गरीब हूँ ना, देखो तो मेरे कपड़े देखो, अब तो कारवार कुछ नहीं है, सब कुछ सिंपल। सिंपल क्यों, तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना है क्या? अरे बाबा, इलेक्शन नहीं, कनेक्शन। कनेक्शन? हाँ मामा, मुझे एक कैदी से प्यार हो। कैदी से प्यार हो गया? हाँ मामा, वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, मेरे मन को बहुत भा गया है, लेकिन उसे पैसे वालों से नफरत है, इसीलिए गरीबों की तरह बनके उसे पटाना चाहती हूँ। मेरी मदद करो ना मामा। तेरे जैसे पैसे वाले सब गरीबों के प्यार को अपनाए, ये तो समाज सेवा होगी, बड़ी अच्छी बात होगी, जोड़ियाँ अच्छी बनेगी। चलो करके दिखाए। तुम छूट रहे हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों, खाने के लिए आदमी कम हो रहा है इसलिए? ये लो तुम्हारा पगार। वाह,
400 रुपए? मेरे हिसाब से सारे पढ़े लिखे लोगों को यहीं आकर काम करना चाहिए। क्यों सर, सही है ना? चलता हूँ। मोहन, बॉक्सिंग मेडल घूंसे मारकर जीता था। थैंक यू सर। भाई भाई, अच्छा यही है क्या? आओ। कैसे हो, ठीक हो ना? कौन है ये? ये है मेरे मामा कटक मिस्त्री। नमस्कार। नमस्ते। कतनार मामा, नमस्ते। नमस्कार। मैं कटक मिस्त्री, प्रॉब्लम में हूँ। ये मेरी भाजी है, किसी भी तरह मेरी भांजी की मदद करे तो। हाँ हाँ, मदद जरूर कर देंगे। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करो। तू चुप रहेगा? मदद करेंगे ना। मामा, मिस्टर मोहन, उस दिन मैं आपको शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। याद है, मगर मैं अमीरों से ज्यादा मेलजोल पसंद नहीं करता। पर मैं उनमें से नहीं हूँ। अरे बातें क्या कर रहे हो, कब से टैक्सी खड़ी है, चलो। भाई, बस के किराए के पैसे नहीं है, कहाँ टैक्सी की बात में फंस रहे हो। आप लोग जाओ, हम आ जाएंगे। आप लोग जाओ ना। जाओ जाओ जाओ। कुछ भी बोलते रहता है। अरे मैं सच बोल रहा था भाई। अभी टैक्सी नहीं, 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 मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ ना। इसकी क्या जरूरत थी? मामा, वो दे रहे हो और आप ले रहे हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है ना, इसलिए ले लिया। टैक्सी वाला किधर है? ये लो, बाकी का पैसा भी रख। यही है तुम्हारा बंगला? बाप रे, कितना बड़ा बंगला। हाँ, हमारा बंगला है ये। देखो, ये बंगला तुम्हारे पापा रामास्वामी ने बनाया था। इसमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम इस बंगले में जरूर रहते थे, मगर अब नहीं। बंगले के पीछे जो छोटा सा घर है, वहाँ हम भाड़े से रहते हैं। ये क्या है? कब तक आप इस घर को खाली कर दोगे? कितनी बार आपसे कह चुका हूँ घर खाली करो, तो मैं सुनाई नहीं देता क्या? ए! मोहन, मोहन, मोहन कैसा है तू? नहीं नहीं, माँ तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बात सुनो, सत्य धर्म नाम की चीज मेरी माँ को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता ने जितना लोन तुमसे लिया था, उसके बदले में ये बंगला दे दिया और हम छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। इसलिए हमसे तमीज से बात करो, वरना मुझे जेल में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोड़ो उसे, वो मर जाएगा बेटा, छोड़ो। चिंता मत करो माँ, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। आपके लिए छोड़ रहा हूँ माँ, नहीं तो ये 5-6 दिन हॉस्पिटल में जरूर जाता। ए इधर आ। हाँ भाई। जाकर अंदर से सामान लिया, हम लोग अभी 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, जाकर प्लेटफॉर्म में रह लेंगे। प्लेटफॉर्म? मोहन क्या मामा, आप सिर्फ सुन रहे हो? वो अर्ना अपार्टमेंट है ना, मैं वहाँ आपको एक घर दिलवाता हूँ। थैंक यू, पर इतने बड़े अपार्टमेंट में आप मुझे कैसे घर दिलाएंगे? वो क्या है ना, वहाँ का मैनेजर और ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों एकदम क्लोज फ्रेंड है। हाँ। एक दिन भी हम दोनों को एक दूसरे के बगैर जमता नहीं है। इतने क्लोज फ्रेंड है। तो पिछले भाइयों की तरह डबल रोल। हाँ हाँ हाँ, डबल रोल की तरह। भाई साहब, हमें इतने जल्दी घर दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, कल ही आपको घर दिला देंगे। अच्छा, सुन लिया ना, चल अब निकल। क्या क्या देख रहा है? चलो मामा, नया घर देखना। हाँ, है हाँ, चलता हूँ। चलती हूँ माजी। अच्छा हाँ, मोहन। ओके, आप लोग आ जाइएगा। आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स क्या बात है। चलता हूँ। मोहन, कल घर के लिए पैसे देने पड़ेंगे बेटा। तुम सही कह रही हो माँ, मुझे भी उस एडवांस के बारे में चिंता लगी है। एक आइडिया है। क्या आइडिया है भाई? ठीक है ठीक है, मैं बस अभी आया। चल। बस सेठ, मेडल घिस घिस के छोटा हो जाएगा, कितना देंगे वो बोलो ना। अरे भाई, मैंने भी अपनी बीवी से शादी सोना देख कर ही की थी। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, पैसा कितना? हाँ? मैं अपनी बीवी को बेचना नहीं चाहता हूँ भाई। ए, मैंने इसके बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा इस मेडल का कितना मिलेगा। इसके 1000 रुपए मिलेंगे। कौन देगा? मैं दूंगा। मुझे इसका 2000 चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्या मुझे वो मेडल और पत्थर दोनों दे दो, आधा मेडल तो घिसने में चला गया। और क्या? अरे थू, आदमी देखकर उसका कैरेक्टर बताता हूँ। अगर ये मेडल इसी तरह से देखने वाला था तो हमें यहाँ लेके नहीं आना चाहिए था भाई। मैडम, ये अरुणा अपार्टमेंट किधर को है? बस यही पीछे। अरे पीछे ही तो जा रहा था मैं,
बिल्डिंग कहाँ ढूंढनी होती है तुझे समझ में नहीं आता? वो क्या सामने है? अरे हाँ, अरुणा अपार्टमेंट तो यही रहा, यही है, यही है। अरे बाप रे, ये तो एक के ऊपर एक जैसे मैक्स बॉक्स रख दिया। भाई जरा मेरी गर्दन सीधी कर देना। बाबा रे बाबा, उस कौवे के मामा ने अपने को इतनी बड़ी बिल्डिंग में यहाँ पे बुलाया। अपने जैसे लो क्लास के लोगों को वो घर दिलवाएगा क्या इसमें? ये क्या कह रहा है तू? अपने आप को लो क्लास कहते हो, शर्म नहीं आती तुझे? अरे उधर देखो, मामा कोट और सूट डाल के खड़ा हुआ है। सर, हमारे रूम में कैसा बटन है? हाथ लगाओ तो शॉर्ट लगता है। अरे बटन को हाथ लगाता है नहीं, दुल्हन को हाथ लगाओ ना। मामा? मामा? किसने मुझे मामा बुलाया? दामाद जी। आइए दामाद जी। का तो घर नहीं मुश्किल हो गया। मैनेजर, हाँ देख के रखा है। अभी हम जाकर आते हैं। हाँ जाकर आओ। ये आदमी अपना मैनेजर लग रहा है ना। वो क्या है ना कि वो मैनेजर है ना, मैं हूँ ना, हम दोनों दोस्त है ना, तो पानी नहीं आया, काम हाँ। वाली नहीं आई, सो मुझे बता रहा था कि मैं उससे कहूँ ऐसा। अच्छा मामा, कोट डाल के बैठे हो, सूट डाल के बैठे हो, बात क्या है? सूट और कोट क्या, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए ये मेरे पापा का कोट है। ये लो चाबी, तुम्हारे लिए फर्स्ट फ्लोर में लेफ्ट साइड में फ्लैट सेट करके रखा है। सेट कर दिया है? हाँ। वो एडवांस देना था आपको। वो सब कुछ मत बोलो भाई। मजा आ गया, वो 2000 रुपए बच गए। ए, चुप कर। ये बिल्डिंग क्या उनकी खुद की है क्या? वो कोतनार मैनेजर वापस आ जाएगा तो केस कर देगा हम पर। आजकल के जमाने में कोई किसी पर इस तरह से भरोसा करता है क्या? कितना तू मामा? वो 400-500 कुल मिला के 2000। 2000 आप ये पूरे रख लो मामा। थैंक यू। बस कुछ नहीं है, तू निकल ना। मामा आपने घर ढूंढने में हमारी बहुत मदद की, इसलिए ये रख लीजिए प्लीज। दे दो। लेकिन ये किस लिए? ब्रोकरेज। 7 रुपये? 7 रुपये ब्रोकरेज के लिए? अरे पापी, चित्रा बेटी देख मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया है। 7 रुपये दलाली लेनी पड़ रही है। कहाँ फंसाया तूने मुझे? सब सामान गिरा दिया, सब मिक्स हो गया। अरे तो मैं पकड़ो। अरे कहीं आपको लगी तो नहीं? नहीं, तुमको? आप ठीक तो है ना? नमस्ते। मेरा हाथ टूट गया। जरा हटिए ना। अरे फ्लैट के अंदर आकर ये क्या गिराता है? आपकी बहन या लड़की गिर गई? और लड़की? औरत? ये आपकी पत्नी है? आप... हाँ, नमस्ते, नमस्ते। क्या बोल रही है? आपको घर देखने को बोला और आप ये क्या कर रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया, वो और उनका सामान गिर रहा था, मैंने बस थोड़ी मदद कर दी। मदद कर रहे थे? नहीं। अंदर जाओ। मैंने क्या किया? ये सामान पे गिर गए थे ना? ये सब सामान घर के अंदर ले आकर रख दो। अरे यही सामान पर गिर गया था। तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, सामान को उठा कर अंदर जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसका सामान उसे उठाने दो। सुनो जी, क्या आपका घर भी ऊपर ही है? मोहन, ये ना, अब हम चले। अरे मेरा पल्लू। मैंने कुछ नहीं किया। किधर जा रहे थे? दाल लेने। सब सामान लेकर जा, चल जा घर पे। मैंने जानबूझ के, तुझे थोड़ा भी कुछ हो तो मुझे दुख होता है। चल इधर देख, सामान गिराती है। तो मैंने उनको थोड़ी दावत दी थी, वही लेकर आए थे यहाँ पर। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ, बताओ ना। वो जो सामने वाले घर में लोग आए हैं, उनसे तुम बात मत करना, अगर वो बात करे भी तो तुम जवाब मत देना, समझ गई ना तुम? मुझे कैसे पता चलेगा? और सुन ले, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना, मैं जब आऊँ तभी दरवाजा खोलना। मेरे खिलाफ अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी क्या? ठीक है। सामने वाले से बात नहीं करेगी, समझी क्या? ठीक है। वो बोले भी तो तू बात नहीं करेगी, समझी क्या? ठीक मैं है। जब आऊँ तभी तू दरवाजा खोलेगी। एक बात बताओ, दरवाजे पे कौन खड़ा है, मुझे कैसा पता चलेगा? क्या कहती है, MGR की पिक्चर नहीं देखी क्या? देखा है। अली बाबा 40 चोर में वो जैसे बोलते हैं, दरवाजे के पास पहुँच कर बोलते हैं, खुल जा सुलसिम, खुल जा सुलसिम, तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके जैसे ही कनमनी दरवाजा खोल तो तू दरवाजा खोल देना। तू ठीक से समझ गई ना? दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। ओके जाता हूँ मैं।
सुनो, वापस ऐसे नीचे गिरकर मेरे दिल को चोट मत पहुंचाना, ओके? चाओ ना, चाचा। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी। हाँ, आ रहा हूँ। घर सब कैसा है? ठीक है ना? अच्छा है, छोटा है मगर कंफर्टेबल है। माँ, ये सामने वाला जो पोर्शन है, यही आपका घर है क्या? किचन है ना? हाँ हाँ, उस चिकन में आप किचन बनाओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, किचन में चिकन बना। मेरी माँ को ये जगह बहुत पसंद आएगी, मैं जल्दी जाकर उनको लेकर आता हूँ। जाओ, अपनी माँ को बुला कर ले आओ, माँ आ जाएगी तो अच्छी है, तुम भी लाइन पे रहोगे और मैं भी आनंद से रहूंगा। ए भाई, अली बाबा 40 करोड़ की पिक्चर तुमने देखी है क्या? नहीं देखी। ओ वाह, जाओ जाकर माँ को लेकर आओ, जाओ जाओ। ए जा, तू क्या कर रहा है? ओ वाह, ए रुको, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें एक काम है। तुम अंदर नहीं जा सकते, जाओ। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ, ओके? अब तुम जाओ। हाय मोहन। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये क्या है, जरा सी नजर हटी और तुम अंदर आ गए, चलो बाहर। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मैडम, वो क्या है कि वॉचमैन को धोखा देकर ये अंदर आ गया। अरे आ गया तो आ गया ना, भूख दुख ऐसा कुछ मेरे जैसा गरीब ही होगा, इसीलिए आ गया ना। तो क्या हो गया? मैडम, आप गरीब? शट अप, तुम वॉचमैन हो ना? हाँ। जाओ काम देखो। हाँ? आपने उसे खामा का डांट दिया, गलती तो मेरी थी। गलती कुछ नहीं, आओ। सर सर, यही है कैदी मोहन, जितना को मारने के बीच में यही आया था, अपना प्लान चौपट कर दिया था। डैम इट, जान बचाकर प्यार के चक्कर में फंसा लिया है, कुछ करना होगा, जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस आदमी को इतना कुछ सुनाया और वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया? इतने बड़े ऑफिस में तुम्हारी इतनी पावर कैसे? क्या सोचा होगा, क्या सोच सकता है वो? मैं कौन हूँ, मैं बताती हूँ। कौन? इतने बड़े कंपनी की मैं लीडर हूँ। लीडर? लीडर मतलब यूनियन लीडर की लड़की हूँ। लड़की मतलब लड़की नहीं, बेटी जैसी, इसका मतलब मैं भी लीडर। ओहो, लेबर यूनियन लीडर को भी तुम जानती हो? यस, मेरी आवाज जो भी नहीं सुनेगा प्रॉब्लम हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नौकरी मिलेगी नहीं, ये बताओ। होगा क्या, अरे ये उंगली उठेगी ना तो पूरी बिल्डिंग हिल जाएगी। बिल्डिंग हिलेगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो हिल गया। हेलो पीए ना, मैं चित्रा बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, मोहन नाम का आदमी आ रहा है मेरा फ्रेंड, काम ढूंढने के लिए। मैनेजर को बोलो उसको कंपलसरी काम देना है, मैंने बोला है बोलना। हाँ ओके, ठीक है मैडम, ओके। हाँ, आपको ऐसे ऊपर जाना है, मैनेजर को मिलना है, इमीडिएटली अपॉइंटमेंट। ओह थैंक यू, मेरी माँ आपके बारे में कुछ बता रही थी। क्या बोल रही थी? वो नौकरी मिलने की बात बताता हूँ। नहीं, आपको नौकरी मिलेगी ना, बोलिए ना। बाद में बताता हूँ ना। अरे बड़ा सस्पेंस देके जा रहा है, बाय चांस वो बात होगी क्या? मैं कम इन सर। कम इन। बैठिए मिस्टर मोहन। आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम मोहन है सर? नाम क्या, मुझे तो आपकी पूरी हिस्ट्री पता है। हिस्ट्री पता करने के लिए मैं कोई अकबर बादशाह हूं क्या सर? अकबर नहीं, बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बाय द वे, चित्रा का रिकमेंडेशन है, इसीलिए तो तुम यहां आए हो। सर सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन भी। सिट डाउन सिट डाउन। तुम्हारी एजुकेशन क्या है ये मुझे अच्छी तरह पता है, तुम्हें कंपनी के अकाउंट्स में काम दे सकता हूं। हाँ सर, लेकिन उससे कैश मिस हो जाएगा। स्टोर डिपार्टमेंट में काम दे सकता हूं, लेकिन वहां का सब सामान मिस हो जाएगा। सो मुझे एज अ वॉचमैन अपॉइंट किया तो पूरा ऑफिस निकल जाऊंगा क्या मैं? हाँ निकल भी सकता है। यू ब्लडी जेल बर्ड, जेल भोग कर आए हो ना तुम? सुनिए मिस्टर,
ऑफिस है इसके लिए आपको छोड़ रहा हूँ। अगर बाहर होते तो आपके पूरे दांत उखाड़ देता। जो आदमी इज्जत से पेश आने के बजाय इंसान को फालतू समझता है, ऐसे आदमी के साथ काम करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। गुड बाय सर। यू रास्कल। मोहन, मोहन रुको ना। छोड़ो मेरा हाथ। जो देखो मुझे कैदी कैदी करके पुकारता है, जैसे मैं किसी चीज पर हाथ रखूं तो वो चीज गायब हो जाएगी। एक बात तो बता, मैं उंगली रखूंगा तो क्या पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी? तुम्हारा मैनेजर गिरा हुआ आदमी है, लेके बैठो उस मैनेजर को। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं, सब मुझे ही सोचना पड़ेगा। मेरी जिंदगी के साथ मुझे जो भी करना है वो। रुको, सुनो तो, हमने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रखा है, उसमें एक प्रोग्राम रखा है, उसमें आप डांस करोगे तो डांस करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब क्या मुझे डांस भी करना पड़ेगा? अब क्या हुआ? एक बात पूछूं, ये डांस करने के बाद खाने पीने के लिए और पैसा मिलेगा ना? देखो आप एक बार हाँ तो बोल दो, जय जय हो जाएगी। ये लो, भारत होटल में रूम नंबर 16, 17, 18 में दामाद के घर के लोग रहेंगे, उधर जाकर दे आओ। ठीक है जी। खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। लोकल फूड को बाहर निकालो, फॉरेन फूड को मुंह में डालो। ये किसने दिया? अरे खाना खाओ यार, क्या पूछते हो किसने दिया। लेकिन बेटा ये खाना कहाँ से लाए तुम? बात सीक्रेट है पर आपको बताता हूँ। अपने बाजू वाले कोतनार मामा है ना, उनकी शादी की सालगिरह है, बस वहाँ से गुजरा था, उनकी बीवी ने मुझे पकड़ा दिया। आहा, खाना कितना गर्म है और खुशबू से लगता है कि बहुत ही टेस्टी होगा। निकल निकल निकल, देखो टेस्ट करके देखता हूँ। ये लिया, तुम भी लो। ले। क्या रे, ये सब क्या बना रखा है तुमने? कभी फिश बिरयानी, कभी मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी नहीं बना सकते हो क्या? वो सब मत खाओ, तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर ने बोला है थोड़ी उम्र बढ़ जाए तो बस, ये खाओ तो डायबिटीज, ये खाओ तो कोलेस्ट्रॉल, ये खाओ तो बीपी। वो लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम डालो। फिश करी डालो क्या? डालो, खर्चे के लिए पैसे मैं देता हूँ, पता नहीं किधर छुपा के रखती है। थोड़ा सीख कबाब, फिश कबाब मना नहीं सकती। जाओ अभी जाकर लेकर आओ कहीं से भी। मैं जाके मोहन के घर से लेकर आऊँ क्या? मोहन के घर से लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। मोहन के घर जाने के बारे में पूछ रही है, उधर जा रही है तू? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे कहकर जाती है। मामा गुस्सा मत करो, मामा गुस्सा मत करो, मामा ऐसा दुख मत दो, मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। दामाद जी। अरे आइए ना। क्या दामाद जी, पाया सम वगैरह खा रहे हो? बड़ा क्या? पायसम माँ ने बनाया क्या? मैंने नहीं बनाया। खाना बहुत टेस्टी है। खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना बहुत टेस्टी है ना? मम्मी खाना अच्छा बनाती है। मम्मी ने बनाया? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, आपकी बीवी ने बनाया है। क्या है? खाना टक गया, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आपकी बीवी ने भेजा है, आपकी शादी की सालगिरह है इसलिए। मेरी बीवी ने मेरी शादी की सालगिरह है? नहीं तो उनकी शादी की सालगिरह होगी। अब ऐसा कहकर ये खाना भेजा गया है, कुछ ऐसे ही बोला था ना। कनमणि, तेरी आंखें निकाल दूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, दांत तोड़ दूंगा, मार डालूंगा। क्यों, क्या हुआ मामा? मुझे खाने को रसम राइस खिलाती है और उस मोहन को पायसम खिला रही है। मामा मुझे कुछ नहीं पता था। तुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है। वो कहता है हमारी शादी की सालगिरह है और हमें ही पता नहीं है, है? मैं सच बोल रही हूँ मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, सच कह रही हूँ। ये तू सब क्या प्लान कर रही है? चल जा, चल जा, जा निकल यहाँ से, चल भाग। मामा छोड़ दो मामा, मामा मैंने नहीं बोला मामा, मामा छोड़ दो मामा। अपनी औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं कहलाता। मैं मर्द नहीं हूँ। अपने पति को राइस राशन खिलाती है और तुम लोगों को वड़ा पायसम खिला रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी लड़की को फंसाने के चक्कर में जेल गया था, अब मेरी बीवी को देख रहा है तू? रास्कल, जान से मार दूंगा मैं। लड़की को फंसाने की वजह से नहीं, लड़की को बचाने की वजह से जेल गया था मैं। क्या मामा, कुछ कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम है? इस सारे झगड़े का कारण मैं हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? एक फूड सप्लाई वाला शादी के घर में खाना लेके जा रहा था, मैंने सोचा माँ और भाई को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने कोतनार मामा की शादी की झूठी बात बोलकर ये खाना वहां से उठा लिया। ये सारी मेरी गलती है। अरे अरे छोड़ो उसे, इसने ये हमारे लिए किया।
माफ कर दो ना, मामा को मिट्टी में सीमेंट पे काम करके ना दिमाग में मिट्टी भर गई है, इसलिए सब छोड़ दो ना। भाई साहब, अपनी बीवी पर इस तरह शक करना और सबके सामने हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। समझाओ इसे, बोलो अपनी बीवी पर शक नहीं किया करते इस तरह। चल रहे? चल चलते यहाँ से। क्या मामा? कनमनी, क्या हुआ मामा? दरवाजा लगा दो। क्या बोल रहे मामा? मेरी गलती इसलिए अपने चप्पल से अपने आप को मारना चाहता हूँ मैं, मारने दो। अरे मामा क्या कर रहे हो? दुखता है। मोमित से डांस करने वाले चित्रा और मोहन के डांस के लिए आ गए हैं क्या? आ गए हैं सर। सारा प्लान तैयार हो गया? आप फिक्र न करें सर, प्लान एकदम रेडी है। जेल में जो भी हुआ, चित्रा को बचाना वगैरह, अब वो सब नहीं होना चाहिए, समझे? याद रखना। यस सर। बाय द वे, इस विषय में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर। Oh!
थैंक्स मोहन, आपने मेरी जान बचाई। तुम्हारी जान बचाने में मुझे खुशी है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी दौलत की वजह से हो रहा है। नहीं झूठ मत बोलो, तुम एक अमीर हो और ये तुम्हारे दौलत की ताकत है जिसकी वजह से तुम्हारे आसपास के सारे लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। हाँ मोहन, मैं पैसे वाली हूँ, लेकिन तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं ना। तुम्हारे पसंद के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मोहन। प्लीज मोहन, मुझे मत ठुकराओ। देखो, मुझे गलत मत समझना। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज चित्रा। हाँ, आओ इधर। तुम बहुत गलत कर रही हो। क्या दीदी? कैदी से प्यार चल रहा है और उसके लिए हमारी ही कंपनी से सिफारिश कर रही हो। किसने? इन्होंने कहा? इस फैमिली में दीदी को मेरे सिवा कोई कुछ बोल सकता है? हाँ हाँ, इस फैमिली की ऑर्डर लिस्ट में आप ही का तो नाम है ना। इस तरह फैमिली मेंबर जैसे बोल रहे हो। उस दिन तो डांस प्रोग्राम में जब मुझ पर हमला हुआ, ना ही आप मुझे बचाने आए और ना ही पुलिस कंप्लेंट की थी, तब आप कहा थे। नॉनसेंस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे कितनी परेशानी हुई है तुम्हें पता है क्या? मैं जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। चित्रा, क्या है, कैलाश से इस तरीके से बात करते हैं? नहीं दीदी, वो किस तरह से बात करे, वो कुछ भी बोल देंगे क्या? दीदी इधर देखो, वो कैदी है तो क्या हुआ, एक दिन मैं उसे घर बुलाती हूँ, आप ही देख लो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मुझे मंजूर है। अरे अंदर आते वक्त पहले दायां पैर अंदर रखना चाहिए या बायां पैर? आप जैसे लड़कों के लिए नहीं, ये सब सेंटीमेंट तो लड़कियों के लिए होते हैं। ये बात सच नहीं है, लड़के लड़कियों से ज्यादा सेंटी होते हैं। ठीक है, अच्छा समझ लो, किसी के अगर पैर ही नहीं है तो क्या वो अंदर नहीं आएगा? भला क्यों नहीं आएगा, बैसाखी के सहारे वो आराम से चलाएगा। हाय राम, तुम कितने होशियार हो। ये सब तुम्हारे संगत का असर है, जाओ अपनी दीदी को बुला लो। ओके, कॉफी लोगे या कोल्ड ड्रिंक? पहले तुम्हारी दीदी कूल है या हॉट ये तो जाकर देखो। अरे वो गरम हो ही नहीं सकती, मैं सब कुछ बोल चुकी हूँ, अब देखना बेटा कुछ नहीं बस शादी और हनीमून। इसे छोड़ दिया तो लगता है हॉस्पिटल में चली जाएगी। बाहर जा रही हो क्या? हाँ, आज मंगलवार है ना, मंदिर जा रही हूँ। पहले मेरी प्रार्थना तो सुन लो दीदी। प्रार्थना? हाँ दीदी, जब उसने मेरी दूसरी बार जान बचाई तब तुमने ही मुझे कहा था ना उससे मिलने के लिए, वो आ गया है। तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। अरे दीदी, वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं, मेरा सिलेक्शन देख तो लो, तुम्हें जरूर चक्कर आ जाएगी। चक्कर आने वाला सिलेक्शन है? हाँ, आके देख तो लो, आओ। अरे देखो ना, आओ ना, आइए ना। वो देखो, ए मोहन, मेरी दीदी। क्यों दीदी, इसे देखकर धक्का लगा? मुझे धक्का जरूर लगा है, इतना महान आदमी जो घर आया है। ठीक है, मैं कोई महान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आया हूँ वो कोई पुण्य क्षेत्र है क्या? ये पुण्य क्षेत्र है या नहीं मुझसे नहीं अपने दिल से पूछो,
तुम्हारे जैसा गिरा हुआ कमीना और झूठा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। ए, शट अप। सच्चाई की बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान खुद भी वैसे ही होना चाहिए जो तुम नहीं हो। नहीं हूँ। अगर मैं कीचड़ में भी पैदा हुई हूँ तो मैं हमेशा न्याय की साक्षी रहूंगी। मेरी जिंदगी में पहले तुमने आग लगाई और अब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आए हो। बेटी बेटी की तरह पाला है मैंने उसे और तुम इसकी जिंदगी बर्बाद करने आए हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ए, छे। ओरिजिनल रोने की एक्टिंग मुझे भी आती है, ज्यादा रोने का नाटक मत कर। और एक बात, तेरी ये जो बहन है ना, इससे अगर सच्चाई का पता चल गया तो ये जो तुझे देवी समझती है ये भी तुझे घर से बाहर निकाल देगी। ए, बैठ। मोहन 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 ये सब क्या है? मोहन मोहन तुम दीदी को कैसे जानते हो? तुम इतना गुस्सा होकर क्यों जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ। ये तुम्हारी दीदी को पूछो। सुनो चित्रा, आज के बाद तुमने अगर मोहन से कोई भी रिश्ता रखा तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दीदी, प्यार का वास्ता देकर तू अपनी बहन को मजबूर करना चाहती है? नहीं होगा। फोन करके बुलाया मुझे? वो मोहन हमारे अपार्टमेंट में रहता है क्या? अच्छा, अपना मोहन? बड़ा अच्छा लड़का है वो। अपनी चित्रा उसकी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, एकदम राम सीता की जोड़ी लगती है। बुला कर लाऊं क्या उसे? नॉनसेंस, उसे इसी वक्त वहाँ से बाहर निकालो। अगर खुद ना निकले तो मार मार के वहाँ से बाहर निकालो उसे। जाओ जाओ। ओह माय गॉड, गो आई से। यस मैडम, मार के आता हूँ। मोहन, पहले तो तुमने कुछ कहा नहीं और अब घर खाली करने को कह रहे हो, ये कौन सा न्याय है? मैं बोल रहा हूँ ना, बिना कुछ कहे चुपचाप घर खाली करो। कौन बोला ये? जब मन में आएगा कहोगे आओ तो आने का, और जब मन में आया बोलो जाओ तो क्या जाने का? हाँ, जाने का। मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं बोलूंगा आ तो आने का, जाने को बोला तो जा। है? कौन बोला ये? आओ बोलेगा तो आने का, जाओ बोलेगा तो जाने का। मिस्टर कोलन, देखिए मेरी माँ तुम्हारी बहुत इज्जत करती है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। देखिए मैं सिर्फ माँ के लिए चुप बैठा हूँ। मैंने 5 महीनों का तुम्हें एडवांस दिया है, 3 महीने पहले नोटिस देनी चाहिए तुम्हें। मैं इस कानून को मानता हूँ और मैं उसी हिसाब से चलूंगा। दूसरा घर मिल जाएगा तब ये खाली कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारी ये बकवास सुनने वाला कोई नहीं है। उधर देखो कौन आया है। अगर मेरी माँ को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना समझ लो। मोहन शांति से काम लो बेटा, कुछ मत कहना। चिंता मत करो माँ, शांत हो जाओ। भैया ये घर मैं खाली नहीं करने वाला हूँ, बोलो क्या कर लोगे? हमारी ताकत को तुम नहीं जानते, चलो मूर्ति। अरे नहीं माँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे माँ। अरे माँ, मैं इस तरह चुपचाप देखते कैसे रह सकता हूँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मोहन तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं कहोगे। माँ बात को समझने की कोशिश करो। भाई माँ क्या हुआ? माँ उठो, माँ दोबारा मैं झगड़ा नहीं करूंगा। माँ माँ उठो, माँ 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 मैंने कुछ नहीं किया। माँ माँ मेरा यकीन करो। माँ 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 Thank you.
उस जेंटलमैन को ऊपर आने दो। तुम लोग जाओ। अपनी अमीरी पर बहुत घमंड है तुझे? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मेरी मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अब बस करो मोहन, मेरी दीदी को क्यों मार रहे हो? उसे मारने का तुम्हें क्या हक है? मारने दो चित्रा, मारने दो। दिल की बड़ास निकालने दो इसे। ये कुछ भी तो नहीं जानता कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। इस बात को ये कभी समझ नहीं पाएगा। ये क्या मांझ रहा है? आज तक कभी किसी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया है और इस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाने की जरूरत की है। जो गलती तुमने की उस बात की सजा हम भुगते क्या? अकेले मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी भी, ये समझ लो। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी माँ की मौत की वजह तुम हो, तुम्हें तो मैं। Stop it. तुम्हारी माँ मर गई तो मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मेरे पापा जब तुम्हारी वजह से मरे तो मैं किससे पूछने जाऊं? बोलो दीदी, पापा के मौत का मोहन से क्या वास्ता? तुम इससे प्यार करती हो ना? इस महान आदमी ने तुम्हारी बहन से प्यार का नाटक किया, शादी का झूठा वादा किया और फिर भाग गया। ए छे, प्यार किसी और से करके शादी का पट्टा मेरे गले बांधना चाहती थी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू औरत के नाम पर एक कलंक है। ये क्या दीदी, जो भी मुंह में आए वो बककर जा रहा है। तुम तो मुझे कुछ बताओ ना, बोलो ना। क्या बोलूं? मैंने उसे अपना माना, मान सम्मान दिया, यहाँ तक कि खुद को उसके हवाले कर दिया, मगर उसने मुझे कलंकित कर दिया, पेट में बच्चा देकर मुकर गया। अकेले तड़पती रही, क्या करती मैं? बोलो क्या करती मैं? ये बात पापा को पता चल गई, अपमान नहीं सह सके, मछली जैसे तड़पे। पढ़ने के लिए तुझे कॉलेज भेजा था और तू पेट में बच्चा लेके आ गई। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कैलाश को पति के रूप में ढूंढा है। देखो मालिनी, कोई अच्छा सा डॉक्टर देख के अबॉर्शन करवा लो बेटा। पैसा जाएगा कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर इज्जत चली गई तो कुछ नहीं बचेगा बेटा। कार में चलने वाले तेरे इस पापा को इस तरह कार के नीचे मत कुचल बेटा। मैं जाके डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ पापा। हेलो डॉक्टर। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मालिनी। यस। अगर वो मुझे जहर देता तो वो भी मुझे मंजूर होता, मगर ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, मैं उसे अलग नहीं कर सकती। पागल हो गई हो तुम, वो तुम्हें कलंकित करके चला गया। नहीं पापा, वो एक दिन जरूर आएगा, अपनी गलती मानेगा, वो मुझे जरूर अपनाएगा, मुझे यकीन है। मैं उसके आने तक इंतजार करूंगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी पापा। तू ऐसा क्यों कर रही है बेटा, मुझे जवाब दे, ये त्याग क्यों कर रही है तू? क्यों? पापा, 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 पापा। आज पापा हमारे बीच नहीं है, इसकी वजह सिर्फ वही है। और देखो मुझे ही भला बुरा बोल के कैसे चला गया। इसी से पता चलता है कि इस आदमी की क्या औकात है। दीदी चित्रा, इस साल पापा की बरसी बहुत बड़े पैमाने पे करने की सोची है। सभी बड़े लोगों को बुलाकर बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित करो। एकदम जमा कर रख देंगे। चार दिन के प्रोग्राम में से सबसे पहले दिन एमके त्यागराज का भरतनाट्यम, दूसरे दिन केबी सुंदरम का गाना रखेंगे, तीसरे दिन टी आर मगाली का नाटक रखेंगे,
और इन सबको तुम ही फिक्स करोगे ना? क्यों नहीं फिक्स कर सकता क्या? एक बार बोलू तो बस, इतने क्लोज है सब। ठीक है तो तुम जाकर फिक्स करो, और अगर नहीं आए तो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। टीवी में कितने क्लोज से दिखते हैं, आजू बाजू में दिखते हैं, बुला लो इन सबको, फिक्स कर लो। देखा? हाँ हाँ टीवी में देखकर ही बुलाओ, ऐसे ही सभी आ जाएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मरने के बाद कोई गाना गाता है क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम जो बोलो वही सही रहेगा। लुक, परसों के दिन फंक्शन रखा है, चित्रा की शादी के बारे में वहाँ अनाउंसमेंट करेंगे। दामाद कौन है? मैं उसकी शादी उसी से करवाऊंगी जो हमारी हैसियत के हिसाब से हो। मिस्टर कैलाश, yes. इस फंक्शन की तैयारी की जिम्मेदारी पूरी आप पे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस दिन आप सबको बुलाने की वजह है, इस कुटुंब में बहुत दिनों के बाद एक अच्छी घटना होने वाली है। हमारी मैडम मालिनी की छोटी बहन मिस चित्रा आपके आशीर्वाद से शादी करने जा रही हैं। लड़का है मिस्टर आनंद। दीदी ये क्या? दीदी मुझे बताए बगैर ही? मुझे सब पता है। ये अन्याय है, मुझे मंजूर नहीं। चित्रा अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो ये समझ लो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। दीदी चुपचाप मेरे साथ चलो। कुछ नहीं, मेरी शादी की क्या जल्दी है बोल रही है। मैं बड़ी हूँ ना, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई इसलिए घबरा रही है। हाँ हाँ सारा गांव बोल रहा है, बड़ी बहन कुंवारी है और छोटी की शादी हो रही है, ये कौन से घर का चलन है, ये कैसा न्याय है? न्याय या अन्याय कुछ नहीं है, ये सब अपने दिल की बात है। इतने सालों से मैं अकेली ही रह रही हूँ और मुझे नहीं लगता जीने के लिए किसी आदमी की जरूरत है। इस उम्र में भी स्वामी की तरह बातें कर रही हो, तुम इस घर की बड़ी लड़की हो, सारे गांव भर में तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लड़की इतनी सुंदर है, सब कुछ उसके पास है, शादी क्यों नहीं करती, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बेटी सब लोग। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? लड़की इतनी सुंदर है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन शादी क्यों नहीं कर रही, ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग? मैडम ने हमेशा सबकी मदद की है, इतना बड़ा कारोबार संभाल रही है ये। बोलो बोलो, तुम सबके लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया है और तुम लोग ही ऐसी बातें कर रहे हो, ये कहां का न्याय है? माँ, 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 क्या मामा? ऐसे क्यों देख रही हो माँ? बोलो ना माँ क्या हुआ? माँ, तुम ठीक हो ना माँ? माँ, You are sincerely बहादुर, के बहादुर। ये क्या हो रहा है? ये मालिनी को माँ बुला रही है, आखिर है क्या सब? ये मेरी बच्ची नहीं है, ऐसा उसकी मम्मी को ही बोलने दो ना। पहले ये बताओ तुम हो कौन? बोलता हूँ। इस बच्ची को जिस अलबेली जगह पर इसकी मम्मी ने छोड़ा था, उस अलबेली जगह का असली हकदार मैं ही हूं, यानी कि उस जगह का असली अधिकारी मैं ही हूं। क्या रे, इस अमीर खानदान का पैसा देकर इसे हड़प करने के लिए तू यहां आ गया? चुपचाप यहां से निकल जा इस बच्ची को लेकर। ये बच्ची इसी की है। कहा ना चुपचाप जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ ये बच्ची इसी की है। कहा ना जाओ यहाँ से। ये बच्ची इसी की है। जाओ यहाँ से। Stop it. Stop it. Stop it. ये मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची है ये। अब तक तो बहुत शरीफों की तरह रह रही थी ये। सम्मानजनक परिवार में जन्म लेकर कितना पान वाला काम किया इसने। शक्ल से तो देखो सीता माता की तरह रहती थी, अब देख लो इनके लक्षण। अरे हम लोग क्यों आए ऐसे लोगों की पार्टी में,
अरे भाई हमारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, नहीं चाहिए था ऐसा। वेल डन बहादुर, बहुत बढ़िया, तुमने मालिनी को झुका दिया। थैंक यू। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं हूं सिंसियरली के बहादुर। मालिनी, चित्रा के आनंद से शादी करनी है ये मुझसे ही कहलवाना था तुम्हें। अब देखना इस शादी से मैं क्या क्या गुल खिलाता हूँ और इससे क्या क्या चक्कर चलाता हूँ, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। मुझसे तुम बच्चे को छुपाती हो, उसका बाप कौन है? रो मत दीदी, सारा गांव चाहे कुछ भी बोले मुझे परवाह नहीं। चित्रा, कोई हो ना हो मैं तुम्हारे साथ हूँ दीदी। मैं अब भी मोहन से जाकर मिलती हूँ और उसे इसका जवाब मांगती हूँ। रुको चित्रा, मुझे कुवारी से माँ क्यों बनाया ये पूछने तुम्हें ही जाना पड़ेगा। चित्रा, वो इस बच्चे का बाप है, उसे बुलवा कर ही आऊंगी। प्यार किया, धोखा दिया, वो तो ठीक है, मगर एक बच्चे को जन्म देकर मुकरने वाला माफी नहीं दंड के लायक है दीदी। चित्रा, शट अप। ये तुम जैसे अमीर लोगों का काम है, कार तेजी से चलाकर एक्सीडेंट करेंगे और बेचारे ड्राइवर पर गलती थोप देंगे। तुम्हारी दीदी ने जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगतूं क्या? मोहन, मैं कुछ नहीं जानती मेरे दीदी के साथ तुम्हारे संबंध है कि नहीं, लेकिन उस छोटी बच्ची के बारे में तो सोचो जो अनाथ बनकर जी रही है। आखिर कब तक ये ऐसे जिएगी? गलती करने से पहले ये सोचना चाहिए था, अभी सोच के क्या फायदा। तुम क्या चाहती हो कि मैं सूली पर चढ़ जाऊं? अपनी गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, जो मानता वो लाखों में एक होता है और उनमें से मैं एक हूं। देखो, तुम्हारी दीदी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी एक बार मैं उससे आकर मिलूंगा, किसी डर की वजह से नहीं, इंसानियत के नाते, उसके मन में जो धूल जमी है उसे साफ करने के लिए। चलो। डैडी। डैडी। बेटा, ये तुम्हारी डैडी है, तुम्हें कैसे पता? पता है, यही मेरी डैडी है। देखिए, मेरे पास इनका फोटो भी है। क्या है ये सब? तुमने तो इसे छोड़ दिया, पर इसके पापा कौन है इसे पता तो होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके गले में लॉकेट डाल दिया जिसमें हम दोनों की फोटो है। देखो, तुम दोनों के लिए मेरे दिल में अब भी हमदर्दी है। सच बात यह है कि ये बच्ची। प्लीज, नो, नो, प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज इनकार मत करो। मालिनी, मेरी बात समझ। कुछ मत बोलो, मैंने अपना तन मन तुम्हें सौंपा है, ये बच्ची उसकी गवाह है। तुम मेरे कुछ नहीं हो, ये मैं नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती, बिल्कुल नहीं सुन सकती। बच्ची ने पापा कह के बुलाया, फिर भी पिता का हृदय जागा नहीं। देखो, मेरे मानने या ना मानने से सच्चाई को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। मोहन, देखो, जब मैं जानता हूँ कि मैं उसका बाप नहीं हूँ तो मैं ये बात मान कैसे लूँ? क्या कहा? तुम मेरी बहन को जानते हो कि नहीं? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे गलत मत समझो, मैं और तुम्हारी दीदी एक दूसरे को जानते थे, ये सच है। हम प्यार करते थे, ये भी सच है। तुम्हारी दीदी हर बात हर किसी को बताती थी, ये बात भी सच है। हमारे प्यार ने एक नया मोड़ तब लिया जब सारे स्टूडेंट्स पिकनिक के लिए ऊटी गए थे। तू
अल्लाह तू दिल में है तू ही नजर में है तू ही ख्वाब में तू ही जिगर में है तू ही जानम देखती हूँ मैं जहाँ भी आते नजर वहाँ तुम तेरे सिवा ना चाहूँ किसी को आई हो जीवन में तुम जानम देखती हूँ मैं जहाँ भी आते नजर वहाँ तुम तेरे सिवा ना चाहूँ किसी को आई हो जीवन में तुम नजर में है तू ही ख्वाब में तू ही जिगर में है तू ही तू तू चैन है दिल का तू प्यार है पहला तू से दिन हो गए सुहाने आई ना चैन बिना तुम्हारे मिलने के ढूंढे बहाने आए हो मेरे दिल में जब से दिन हो गए सुहाने आई ना चैन बिना तुम्हारे मिलने के ढूंढे बहाने है ये दुआ जब तक है धड़कन जब तक है जी साथ रहे हम यूं ही सनम तू तू चैन है दिल का तू प्यार है पहला तू 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 चैन है दिल का तू प्यार है पहला तू दिल में है तू ही नजर में है तू ही दिल में है तू ही नजर में है तू ही दिल में है तू ही ख्वाब में है तू ही जिगर में है तू ही नजर में है तू ही मोहन वेरी गुड फैंटास्टिक ये खाना ना नहीं मालिनी को अपनी बाहों में लेके इतना क्लोज डांस कर रहे थे तुम तुम्हारे जैसा डांसर मैंने तो नहीं देखा भाई तुम तो चाय में शक्कर की तरह घुल मिलकर डांस कर रहे थे उसके साथ एक लड़की लड़के से चार अच्छी बातें क्या कर लेती है तुम लोग उसे बेडरूम तक लेकर पहुँच जाते हो क्यूँ लेकर भी जाए तो क्या हुआ चुप रहो सुनो अरे ए, ए। प्यार ऐसी चीज है जो एक दूसरे को बांध देती है तो फिर प्यार करने वाले एक लड़का और लड़की साथ में घूमे तो उसमें गलत क्या है तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो देखो तुम्हारे अंदर नहीं है लेकिन मेरे अंदर है क्या शर्म मोहन तुम्हारे लिए टेलीग्राम मेरी सीरियस ए पिताजी सीरियस है लेकिन ऐसे कैसे जाओगे अरे यार किसी तरह जाना होगा मुझे नहीं थोड़ा धीरे रखो कल ट्रंक कॉल करके फिर चले जाना यार
ट्रंक कॉल? हाँ, थैंक यू। ए रुको, मालिनी के रूम से आ रहे हो ना? मैं मालिनी के रूम में क्यों जाऊंगा सर? मत बोलो, वहां तुम ही थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे देखता नहीं है क्या? वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। ए, झूठ बोलते हो, कल तो मैं इसका सबक सिखाऊंगा। इस कॉलेज के चरित्र पर आज तक ऐसा कलंक नहीं लगा है। अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम बहुत बड़े नामी इंस्टीट्यूट्स में होता है। निश्चित रूप से मालिनी के रूम में तुम ही गए थे। सर कसम से मैं नहीं गया था सर। आई एम सॉरी सर। सर मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर प्रोफेसर पटेल क्या झूठ बोल रहे हैं? उस रात को मालिनी के रूम में तुम ही गए थे, यही सच है? सर ये प्रिंसिपल का रूम है या पुलिस स्टेशन? जिसने कुछ किया ही नहीं उसे जबरदस्ती गुनहगार क्यों ठहराने पर तुले हैं? मैं मालिनी तुम ही कहो, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, क्या मैंने तुमसे कभी छेड़खानी या किसी तरह की गलत हरकत की है? बोलो ना मालिनी। मालिनी मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ऐसी बेइज्जती नहीं, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो ना। इन्हें बताओ ना जरा, मैं तुम्हारे साथ बुरी हरकत कर सकता हूँ क्या? इन्हें बताओ। मालिनी इन्हें बताओ ना। बेचारी डर रही है, तुम डरो मत, बताओ, कुछ नहीं होगा। मालिनी ये क्या मोहन, ऐसे क्यों डर रहे हो जैसे तुमने कोई खून किया हो? क्यों डर रहे हो? एक बात बोलो, हम लोग प्यार करते हैं, शादी कर लेंगे, ये बातें कॉलेज में सबको पता है। होने वाले पति के साथ में ऐसा बिहेव करूंगी तो उसमें गलत क्या है? एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये लड़की झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। आप इस पर यकीन मत कीजिए सर, पता नहीं ये मुझे फंसाना क्यों चाहती है। मेरा यकीन कीजिए सर। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़की हिम्मत जुटाकर सच बोल रही है और तुम इसे कबूल करने से मना कर रहे हो? सर मैंने ऐसा कुछ... मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ, इस कॉलेज में सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तुम लोगों की तरह प्यार करने नहीं आते। बहुत बढ़ा ली तुम लोगों ने कॉलेज की इज्जत। यू बोथ द डिसमिस। डिसमिस होते ही मैं अपने गांव चला गया। वहां अचानक मेरे पिताजी चल बसे। बेकार में किसी की मदद करने निकला और खुद ही जेल पहुंच गया। इसलिए तुम्हारी दीदी से मिलकर मैं हकीकत जान नहीं पाया। और अब वो अचानक कह रही है कि वो जो बच्ची है उसका बाप। हाय मोहन। हेलो। और सब कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। अच्छा चित्रा, दिस इज आनंद, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाय द वे मेरे और मालिनी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा बड़े आश्चर्य की बात है, ये इतने वर्षों से हमारी कंपनी में मैनेजर हैं और दीदी के साथ पढ़ते भी थे। वेल, मालकिन के साथ पढ़ता था तो ये बात मैं कैसे बोलता। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मुझे तुम्हारे बारे में अभी पता चला मोहन, एज ए फ्रेंड बोलता हूँ। तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिनी से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? उसके पास बंगला है, पैसा है। एज ए फ्रेंड बोल रहे हो ना? हाँ एज ए फ्रेंड बोल रहा हूँ। तुम्हें अपना फ्रेंड मानने से अच्छा है मैं अपने गले में फांसी लगाकर मर जाऊं। तुम चाहते हो कि पैसों के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं? ये मुझसे नहीं होगा। जिसने मालिनी और मेरे साथ धोखा किया है उस कमीने को ढूंढकर उसका नामो निशान मिटाकर रख दूंगा। चलता हूं। साला कमीना, आया बड़ा दोस्त बनने। मोहन तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें जिस प्रोफेसर ने उस वक्त देखा था उसे इस बारे में जरूर कुछ पता होगा। चित्रा से प्यार करने वाला वो कैदी रास्कल मालिनी के बच्चे का बाप निकला। अगर ये कैदी वापस जेल में गया तो सब ठीक हो जाएगा। मालिनी को तुम देख लेना और चित्रा उसे मैं संभाल लूंगा। तो इस चैप्टर को आज ही क्लोज करना होगा। Thank you.
पांडे हेयर। इंस्पेक्टर, मोहन नाम का एक कैदी हमारे कुछ लोगों को मारकर उनसे पैसा छीनकर लेकर भाग गया है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे पकड़कर जेल में डाल दें। सर, हमको पहले से इंफॉर्मेशन मिल गई है, हम उसे पकड़ने ही वाले हैं, बस आप यहाँ पर आ जाइए। आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना होगा, आपको एक कंप्लेंट लिखकर देनी होगी, फिर उसी कंप्लेंट के आधार पर हम उसे जेल में डाल सकते हैं। थैंक यू सर, मैं अभी आता हूं। लॉक करो इसे। स्टेटमेंट लिखा गया, ये लीजिए। जीप में जाने वालों को मोहन ने मारकर उन्हें रोका और उनसे पैसा मांगा, और पैसा ना देने पर उसने कातिलाना हमला किया और मारा भी। मोहन से बचने के लिए अगर हम करेक्ट टाइम पे पुलिस में ना आते तो वो हमें मार ही डालता। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। ए, पानी क्यों थूक रहा है? वो पानी पीने लायक नहीं, इसलिए। बहुत ज्यादा मस्ती है क्या तेरे को? पुराना कैदी है क्या तू? ये स्टेटमेंट ठीक है? आर के कैलाश, मैनेजिंग डायरेक्टर, अरुणा स्टेट, चेन्नई। सर, इतने बड़े वीआईपी होकर आपको पुलिस स्टेशन में आकर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? कानून के खिलाफ जाने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें जस्टिस के साथ पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। आप वाकई एक जेंटलमैन। कीड़ा है, कीड़ा पड़ा इसमें साहब। शट अप! चार दिन हवालात में रहोगे तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। जैसे ही हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं खुद आपको कॉल करके बताता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम। साहब साहब, आ जाइए मत, वहां लफड़ा हो रहा है। अरे भागो, जल्दी भागो, हटाओ। ए! क्या हुआ? खत्म हो गया भाई। जो है वो दे दे। हेलो, तोड़ो। एक पेटी और ले किया। ठीक है। हाँ, तोड़ो तोड़ो। ए चूहे की तरह छुप कर क्या बैठा? अरे माफ कर, अरे माफ कर मेरे भाई, माफ कर, अरे माफ कर दे भाई, माफ। तेरे को माफ कर दूँ? हाँ, हमारी गांव की लड़कियाँ यहाँ आकर तुझसे दूध का पाउडर मांगा और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास दूध नहीं है, जो तू पाउडर मांगने चले आई, तेरी जात का। तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चल। तेरी जात का। मारो। अरे भाई, ये सब लड़कियां मेरी बहन जैसी ही तो हैं। बहन कहता है? इनकी उम्र देखिए, तुम्हारी बहन जैसी लगती है क्या? तेरी जात का तब बहन जैसी लगती है। हाँ, और एक बार बोला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बुढ़िया तुम जाओ, मैं दूध लेकर आता हूँ। देख, इज्जत से कह रहा हूँ, दुकान बंद कर दे, नहीं तो फोड़ के रख दूंगा। अगर वापस ऐसा किया तो समझ जा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, समझ जा, नहीं तो तेरी वाट लगा कर रख दूंगा। क्या समझ गया? अबे, अपन के गांव में अपन को रेस्पेक्ट नहीं है क्या? समझ कर रखा है? तब लोग लाइन से खड़े रहो, चलो जल्दी करो। खड़े हो गए? चलो साइड में बैठो। हाँ, चलता हूँ। आनंद, अभी जेल में मोहन को इस केस की वजह से वैसे भी 2 साल अंदर रहना पड़ेगा। तब तक इस गैप में मोहन और मालिनी का यह चक्कर चलता ही रहना चाहिए। मोहन के नाम से इस डुप्लीकेट के जरिए मालिनी को फंसाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। पर कैलाश, क्या मालिनी इतनी बेवकूफ है कि उसे पता भी नहीं चलेगा? भक्तों को तो हर बांसुरी बजाने वाला आदमी कृष्ण ही लगता है। शाबाश कैलाश, पर वो एक गवार है, इस चिड़िया को कैसे फंसाएगा? और फिर हमने उसे बात ही कहाँ की है? अगर उसने मना कर दिया तो वो... मैनेजर सर, बड़ा गड़बड़ हो गया सर, बल्लाराम सब हार गए। ओ, ये क्या है, रोते हुए आ रहे हो, क्या बात है? क्या बोलूं सर, हमारे फ्लैट की लड़की को हमारी माननीय मैडम ने मारा, ये सब उनका प्रॉब्लम है क्या? उसको क्या मालूम है, 1 घंटा पहले मैंने पूछा कि जाऊं क्या तो पूछती है, क्यों मामा जल्दी घर क्यों जाना चाहते हो? घर जाकर अपनी वाइफ को पैसा देना चाहते हो क्या? अरे इन सबसे उसे क्या करना है? चित्रा के जीजा के सामने मैं मामा जी की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरा पेट जल रहा है सर। पेट तो मेरा भी चल रहा है,
वो मालिनी तो बस मोहन के साथ ही शादी करने वाली है। इतने दिन से उसके साथ हमने विश्वास के साथ काम किया, लेकिन उसे हमारे ऊपर यकीन नहीं है, उसे उस मोहन के ऊपर यकीन है। हम ये सब ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? मैनेजर सर, हम लोगों को कुछ करना चाहिए। सोच लिया है क्या करना है? एक लड़का भी देख लिया है। कौन है? साल्ट कोटा सिल्वर नाम है। साल्ट कोटा सिल्वर क्या? तुम उसे जानते हो क्या? अपना सिल्वर है? अपनी छोटी बीबी कन्नमणि, उसको छोड़ देने को सोचा था, दोनों को जोड़ के रखा। अरे वो तो गोल्ड है यार, 24 कैरेट। सुनो, उसे किसी भी तरह पकड़ कर लाना होगा। पकड़ लेगा, अभी पकड़ेगा। चलो। आहा, सबकी प्रॉब्लम मैं इसमें लिख रहा हूँ। अगर किसी को भी तकलीफ है ना तो मुझे बताओ, मैं उसका काम सेटल कर दूंगा। अगर पानी नहीं आया तो पानी का टैंकर मंगवा दूंगा, और अगर टैंकर नहीं आया तो जमीन खुदवा कर मशीन से पानी निकाल कर दूंगा तुम सबको। क्यों, समझ गए ना? हाँ। छोड़ो, इधर आ, सब लोगों को चाय दे, चल चाय दे जल्दी। चाय दे कर। वो देखो भाई, बड़े लोग आ रहे हैं। साला कौन है अपने गांव में, उसका क्या काम है? हाँ, क्या बात करता है, ये कोई बड़ा आदमी है क्या? चकल से तो गंदे नाली का कीड़ा लगता है। गंदे नाली का कीड़ा। आ यार, आ, मैं अभी आप ही की तारीफ कर रहा था, है ना? ए छोटे, चाय लेकर आजा। आपकी जोरू कैसी है? एक भाजी बेचने वाली को आपने पटाकर शादी भी कर लिया। तुम्हारा सेठ कैसा, वो यहाँ पर आया क्यों नहीं? हाँ, सेठ नहीं आया बॉस, उसका भूत ही आता है कभी कभी। आजकल उसके डिमांड बहुत बढ़ गए हैं, ज्यादा ही खर्चा हो रहा है। क्या तुम घुमा फिरा कर क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी आ रही है। क्या कहा? नेतागिरी कब से चालू कर दी? आजकल सब नेता बनते हैं और माल कमाकर भाग जाते हैं साले। ताला अपुन को क्या करना है, बोलो मुझसे क्या काम है? तुम्हें मांगने आए हैं। अच्छा, मैं कोई फालतू आदमी हूँ क्या? मैं तो अपनी मर्जी से मिलता हूँ, समझा क्या? कुछ हमारी मदद कर दो बस। अच्छा चल ठीक है, बुला। उन लोगों को गाड़ी में क्यों बिठा कर रखा है, इज्जत से यहाँ बुला। गंदी नाली के कीड़े, आओ। गुड मॉर्निंग सिल्वाई। तूने इनको मेरे बारे में सब बोल दिया है ना? आ, बोला बोला। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। अरे एक गिर कैसे गए, खुद को ही नहीं संभाल सकते, दूसरों को क्या संभालोगे तुम लोग? अच्छा काम बताओ। कलंदे, सारा मैटर बताकर इसको मामला पटाओ और सिल्वाई को ले चलो। इधर आओ। ए छोटे, इनको चाय पिला रहे? चाय? नहीं नहीं, तुम जाओ। ठीक है सेठ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं करूंगा, नहीं होगा मुझसे। प्लीज ना मत करना, अगर तुम ये काम करोगे ना तो एक लड़की का खानदान बच जाएगा। हमने तो सुना है तुम हमेशा सत्य काम करने वालों की मदद करते हो। ये शक्ल से सच्चे लोग लगते हैं क्या? देखेगा तो सच लगेगा। मुझे तो नहीं लगता। अच्छा छोड़ो, अब क्या डबल रोल करना पड़ेगा ना मुझे? वैसे मैंने लंबू भाई की बहुत सारी डबल एक्टिंग फिल्में देखी है। मैं भी एक्टिंग जबरदस्त करूंगा, मगर एक कंडीशन है। क्या चाहिए? जो चाहोगे मिलेगा। हमारे गांव के लोग पानी के लिए दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं, अगर तुम जमीन से पानी निकाल कर दोगे तो मान जाऊंगा। हाँ कर दूंगा। मर गया। इस लुंगी पहनाने वाले आदमी को पैंट पहना दिया, कितनी तकलीफ हो रही है यार। थोड़ी लूज पैंट नहीं पहना सकते थे? 4 दिन तू चुप रहेगा तो सब सेट हो जाएगा। कैलाश सर। अरे भाई बहुत खुजली हो रही है मुझे अंदर। अरे छोड़ो यार, खुजली से सांस लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सीख रहे हो। मुझे तकलीफ क्या हो रही है मैं जानता हूँ। मे आई कम इन सर? हेलो इंस्पेक्टर। थैंक यू। इतनी दूर कैसे आना हुआ? एक इम्पोर्टेंट विषय में बात करने आया हूँ आपसे। ये साल्ट कोटा सिल्वर है ना? इस बात का आपको कैसे पता है? अरे उसकी मूछे बिल्कुल वैसी है ना। हमारा वर्कर है सर, सिक्योरिटी का काम दिया है। क्या? हाँ, सिक्योरिटी का। सब लोगों ने मिलकर मुझे काम दिलाया है, कहा कि अच्छे कपड़े पहनकर आना, तो काम क्या है मैं तुम्हें बता दूंगा। सुनो, ज्यादा बात मत करो। अच्छा, तुम्हें नौकरी मिली है ना, जो उसे ठीक तरह से करो। है? एक कटिंग चाय पियेंगे क्या सर? नहीं बोला ना उन्होंने। चाहिए मिस्टर कैलाश, 2 मिनट आइए। अरे यार मिस्टर कैलाश। यस सर। मोहन का केस जल्दी ही कोर्ट में आने वाला है, उसे 5 साल के लिए अंदर करवा दीजिए सर। यू आर करेक्ट, मर्डर करने की कोशिश के केस में चार्जशीट बनवाया। ये बात है। और एक इम्पोर्टेंट मैटर, इस केस के संबंध में आपको कोर्ट में गवाही देने के लिए आना होगा। ओ। इसलिए आप कहीं भी जाएं,
पहले हमें इंफॉर्मेशन जरूर देकर जी जरूर मैं फिर आता हूँ मिस्टर कैलाश थैंक यू नाइस टू मीट यू अच्छा हुआ इंस्पेक्टर चला गया सुनो अपनी पहचान बदलने के लिए तुम्हें ये मूंछ काटनी होगी सर मूंछ खींच रहे हो मुझे बकरा समझाए क्या क्योंकि बकरे की मूंछ नहीं होती दाढ़ी होती है ए, ये बकरे की मूंछ नहीं एक वीर की मूंछ है पूरा गांव मेरी मूंछ देखकर थरथर कांपने लगता है पता है क्या सुनो मूंछ काटने के बाद ही तुम मोहन की तरह दिख पाओगे तभी तुम बड़े आदमी बन पाओगे मैंने ऐसा नहीं कहा क्या है ना मेरी मूंछ की ताकत किसी सांड से कम नहीं इसलिए अपनी बस्ती में जिंदगी भर सांड बने रहना चाहते हो वो क्या ना मैंने कभी अपनी जिंदगी में मूंछ निकाली नहीं ओके ओके मिस्टर सिल्वई सबसे पहले अपनी मूंछ ठीक करवाओ उसके बाद ही आप रियल मोहन जैसे दिख सकते हैं अरे आप सेठ हैं आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए मैं जान दे सकता हूं तो ये मूंछ क्या चीज है निकालो ना हो जाओ यार ना जरा संभल कर क्यों भाई तेरे मूंछ ही निकालोगे ना ए ए संभल कर अरे निकल गया कान में लगा लो संभल कर मेरी नाक मत काट देना आराम से अरे ओए ओए हो गया ना इस तरह मुझ पर चढ़कर क्यों बैठा है उतर ये क्या कर दिया मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है वंडरफुल अरे ये वंडरफुल क्या कह रहे हो दो बॉटल फुल लेके आओगे तो सब पी के टून हो जाएंगे ना मिस्टर सिल्वई तुम अब एकदम ओरिजिनल मोहन जैसे दिख रहे हो ये क्या है आखिर इसे मारने की क्या जरूरत थी और नहीं तो क्या पता है जब से मैं पैदा हूँ मुझे यहाँ किसी ने हाथ नहीं लगाया माँ भी मुझे पैर पकड़कर उठाया करती थी और ये बिंदास मेरी कमर पर हाथ लगा रहे okay, I'm sorry. Hey, देख कहीं पर भी हाथ लगा ले लेकिन इस एरिया में हाथ नहीं लगाने का क्या सुनो मेरी बात सुनो अगर शादी की रात को औरत तेरे को इधर उधर वहाँ हाथ लगाएगी तो क्या करोगे मार दूंगा लो औरत का यही नसीब है तो तेरा क्या हाल होगा ऑलराइट तो चले क्या सर आनंद मोहन किस तरह से उठता बैठता था सब सिलवाई को सिखा दो आप फिकर मत कीजिए सर मोहन को ऐसे गिरा दूंगा कि वो उठ ही नहीं पाएगा अच्छा एक काम था जरा जाकर आए क्या चलो क्या हुआ कितना पियोगे नहीं नहीं मैं 100 मिले मैं आधा और तुम आधा चलो हाँ चलिए हेलो मैं कैलाश बोल रहा हूँ यस मोहन सुधर गया है और वो मान भी गया है अब वो आपसे शादी करना चाहता है ये बात है आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है थैंक यू वेरी मच मैडम मालिनी मैं भी बुलाऊं क्या मालिनी मालिनी वो देखो वो उस तरफ है हाँ वो जो चूड़ीदार पहनकर मस्त आइटम आ रही है वही है क्या वो चित्रा है वो मेरी है अच्छा लाल कलर साड़ी वाली ठीक है उसे संभाल लूंगा जैसे मैंने कहे थे वही डायलॉग बोलना और उसको हाथ मत लगाना वो मेरी है समझे सब मेरी है कहते रहेंगे तो मैं बीच में घंटा बजाता रहूंगा क्या मुझे गुस्सा मत मोहन मुझे माफ कर दो मोहन मालिनी मुझे माफ कर दो जब से तुम्हें मैं छोड़कर गया हूँ मैं चैन से जी नहीं पाया हूँ मेरा दिल भी बदल चुका है मेरी भाषा भी बदल चुकी है और कैला जी ने मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल दी मोहन मालिनी मोहन मालिनी मोहन मालिनी मोहन मुझे सिर्फ नाम ही पता है हम दोनों जल्दी से गले मिल रहे हैं बहुत से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आ मेरे गले लग जा मेरी रानी देखो कितने खुश हो रहे सब लोग देखा ना छोड़ो तुम दोनों फिर से मिल गए इस बात से मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर कैलाश हाँ? आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगी okay. चलेगा आपका धक्का लगा ना चल जाएगा ये चित्रा है ना कहाँ गई ये चित्रा बहुत अकेली हो गई बेचारी बहुत बुरा लग रहा है मेरी बात मानना जल्दी से शादी कर लेना और तुम भी सेटल हो जाना लाइफ में तुम्हें ढेर सारे बच्चे हो ऐसा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ तुम बहुत अच्छी इंसान हो इसमें कोई शक नहीं है किसका भी दिल तुम्हारी तरह इतना बड़ा नहीं है तुम्हारे इस महान दिल का शुक्रिया अदा कैसे करूं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो मिस्टर मोहन जरा खुद पे कंट्रोल करिए हाँ करता हूँ तुम्हारी बच्ची है तुम्हारी बच्ची क्या बात कर रहे हो मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं संभालो बच्चा है हमारी बेटी है ना कुछ अलग है ना उसे उठाकर पप्पी दो हाँ ठीक है ओवर एक्टिंग नहीं मेरी मुनिया कितनी है सियानी बस छोड़ दे हंसते रहो
बात करो। मान ली मोहन आ गया है, अब गांव के सामने तुम्हारी शादी होगी। मिस्टर सिल्वी, आखिर हमें क्यों मार रहे हो भाई? तुमने बच्ची की बात की ही नहीं और वो बच्ची झट से आकर मुझे डैडी कहने लगी। वो छोटी थी इसलिए उसने मेरा पैर पकड़ लिया, अगर बड़ी होती तो उसका हाथ मेरी कमर पर आ जाता, तब मुझे बहुत बुरा लगता। ये सब नहीं चलेगा, मुझे अपनी मूछ वापस दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे प्लीज सिल्वी, सुनो तो प्लीज सिल्वी, बच्ची के बारे में नहीं बताया, ये हमारी गलती है, लेकिन अब मालनी भी तुम्हें अपना मोहन मान चुकी है। मेरी एक्टिंग का कमाल है, चित्रा ने भी तुम्हारा यकीन कर लिया था। देखो तुम भी अपना है ना झोपड़ा बदल सकते हो। अपनी बस्ती का डेवलपमेंट का क्या हुआ? इस वक्त तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा दूंगा। हाँ बढ़ाना तो होगा ही, देखो मुझे अपने गाँव में कुछ बड़ा काम करना है इसलिए मुझे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। कितना चाहिए? 50,000 रुपए। मिल जाएगा। क्यों मोहन, उस दिन जब मैंने तुम्हें बार बार बोला कि मालिनी को एक्सेप्ट कर लो तब तो तुमने नहीं माना, आज कैलाश और आनंद बोल गए तो तुमने मान लिया, क्या समझूं मैं इसे? तुम्हारे लोग ही तुम लोगों को लूट रहे हैं। कौन क्या कर रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सारा सस्पेंस खोलने के लिए मैंने ये भेस बदला है। कैसा सस्पेंस? हाँ उस कैलाश से मैंने कहा है कि मैं गाँव से आया हुआ सिल्वे नाम का आदमी हूँ। सिल्वे? हाँ, मुझे कैलाश ने कहा है कि वो तुम्हारी दीदी का पति बनने का नाटक करे। दीदी का पति बनाया? पुलिस की मदद से और बस्ती वालों की मदद से ही मैं ये हाँ पूछो, पुलिस के मदद से बस्ती वालों की मदद से, बेकार के सवाल करके मुझे परेशान मत करो, अगर तुम मदद करोगी तो मेरा काम और आसान होगा। एक तीर से दो शिकार हो ऐसा मैंने कुछ सोचा है। हेलो। हाँ मैं मालनी बोल रही हूँ। यस मैडम। कल ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रखो और सभी मैनेजर्स को बुलाओ। ओके मैडम। मेरी बेटी को देखकर जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है उन सभी लोगों को कल ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में जरूर बुलाओ। जी मैं सबको बुला लूंगा मैडम। मिस्टर मोहन को ऑफिस के सभी लोगों से इंट्रोडक्शन करवाकर ऑफिस का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें दे दूंगी। सज्जनों आज के इस खुशी के मौके पर मैडम मालनी के बारे में आप सब लोगों से मुझे एक बहुत ही खास बात शेयर करनी है। मैडम मालनी के हस्बैंड आ गए हैं, उनके बच्चे के पिता मिस्टर मोहन। तुम क्यों बजा रहे हो? सब लोग बजा रहे हैं ना। एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से दोनों अलग हो गए थे, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रेमियों का किसी कारण अलग होना कॉमन है, मगर रिलेशन तो है। हा? उस लड़की को बुलाया। अरे कहाँ चली गई? अरे इधर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम हालातों को देखकर मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने पति को सौंप रही हूँ। आज से इस कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मोहन होंगे। कंपनी के सारे बैंक अकाउंट इन्हीं के नाम से चलेंगे। आज से मैं हुकुम चलाने वाली मालकिन नहीं बल्कि इनकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छे। कौन गुली चलाया? कोई नहीं, ये बोतल है। ये क्या चीज है भाई? ये शैंपेन है बेटा, सेलिब्रेशन के लिए। अच्छा तो दे। ए, रुको तो, गिलास में डालने दो। हाँ, डाल ले। पहले ये पियो, उसके बाद विस्की पीना और डिनर के साथ कौन ही है। हाँ। कैसा लगा? देसी दारू से भी बेकार। चलो पियो पियो पियो। चीयर। क्या बात है कैलाश? मालिनी ने अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद को इन कागज पर मेरे नाम करने की बात लिखी है, बस उसके एक साइन बाकी है, उसके बाद मैं यहाँ का राजा हो जाऊंगा। फिर मैं क्या हुआ, तुम्हारा गुलाम? तुम्हारे नाम पर मैं चित्रा को लिख दूंगा। अरे कहाँ मर गए? ये देखो फिर पैर से निकल गया, एक भी चीज बराबर नहीं है। ये जूता लूज है तो ये पैंट टाइट है। हे भगवान, ये क्या लफड़ा है, अपन से ये काम नहीं होने वाला है। भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भाई भाई क्या हुआ सिल्वर, चित्रा नहीं आई? अरे वो ब्यूटी पार्लर में अपना बाल बनाने गई है। ओ ब्यूटी पार्लर गई है, वही तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या। सिल्वे तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया क्या? अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। अब तुम एक काम करो, इन डॉक्यूमेंट्स पर मालिनी के साइन ले लो। इतना ही ना, ले लूंगा। लेकिन वो इसे पढ़ने ना पाए। क्यों, गंदी चीज लिखी है क्या, कुछ फोटो वगैरह है क्या? ऐसा कुछ नहीं बाबा, सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, बस तुम उसके साइन ले लो। तुम फिक्र मत करो, उसकी बैंड बजा दूंगा मैं, उसे एक छोटा सा पटियाला का पैक पिला दूंगा, ऐसा नशा चढ़ेगा कि ये पेपर तो क्या, वो कोई भी पेपर आग बनकर के साइन कर देगी। हाय। ए चित्रा आ गई है, डॉक्यूमेंट छुपा लो। नहीं तुम संभालो। ए क्या कर रहे हो तुम? अरे ये रखो, संभालो उसका। अरे छुपाओ कहीं।
हाय मोहन। वेलकम वेलकम। अरे वो हम सब मिलकर यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह क्यों खड़े हो? अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही खड़ा था, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो। अच्छा अच्छा। देखो तुमने अपनी बहन से वादा किया था ना कि तुम वो अपने मोहन से नहीं आनंद से शादी कब करोगी? अरे अरे ये क्या बोल रही? गलत क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी दीदी ने तो लड़का पसंद किया, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फूल उसके लिए लाया और तुम ऐसी बातें कर रही हो। दो 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 दो, जाओ 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 जाओ, जल्दी 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 जल्दी, लो 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 लो। नहीं नहीं। अरे क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई, शर्मा रही हो क्या? अरे ये मर्दों के बीच नहीं रही ना, इसलिए शर्मा रही है, देखो मैं इसे लेके आ रहा हूँ। शर्माने का नहीं। चित्रा अब तुम दोनों हमेशा खुश रहना, एक साथ जिंदगी बिताना। मैं इधर आऊँ। अच्छा ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तुम तो बड़े होशियार निकले। इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारी है। देखो आनंद, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, ऐसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मैं बोल देता हूँ। चलो ना, हमें देर हो रही है। अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है। चलो अब देर हो गई, हम निकले। अच्छी लड़की को ज्यादा देर घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। एक काम करता हूँ, इसे मैं घर छोड़कर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको, ठीक है? अच्छा चलो चलो। हाँ अरे इसकी जात का हर बार निकल जाता है, आगे से मैं लेस वाला जूता पहनूंगा। हाँ चित्रा ने इस मैटर को एकदम सिंपल कर दिया है कैलाश, है ना? ये हमें धोखा दे रहा है, ये कैदी मोहन है। क्या बोल रहे हो कैलाश? सिलवई के पेट पर जब कोई हाथ लगाता है तो उसे गुदगुदी होने लगती है, लेकिन चित्रा ने इसके पेट पर बार बार हाथ लगाया, इसके बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब वाकई चित्रा के बार बार हाथ लगाने पर भी उसे गुदगुदी क्यों नहीं हुई? मतलब ये सिलवई नहीं है, बल्कि सिलवई के वेश में मोहन है। पुलिस के हाथ से वो निकल आया है। तो अब क्या करें? पुलिस स्टेशन जाकर पता करना है कि मोहन वहां है या नहीं। कम ऑन। माय गॉड, इसका मतलब वो मोहन ही था। बेवकूफ बना। कम ऑन। हेलो मिस्टर कैलाश, इतना सडनली इधर कैसे? हेलो इंस्पेक्टर, बात यह है कि मैं अगले हफ्ते बाहर जा रहा हूँ, तो सोचा जाने से पहले आपसे मिलता चलूं। ओके। अरे यहाँ आकर क्यों परेशान कर रहा है, तू अंदर आएगा तो ही ना मैं बाहर आऊंगा। ए मोहन, अपनी जुबान को लगाम दे। तो मैं चलता हूँ। कहाँ जाएगा, तुझे एक दिन यहीं पर आना है, इसी जगह पर। स्काउंडल! मिस्टर कैलाश, आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, आप जाइए। ओके। मोहन, कैलाश का वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास ही है ना? हाँ मेरे पास ही है। सब कुछ एकदम फाइनल है, तुम कल ही मालनी के साइन ले लो, फिर तुम्हें ये सिलवाई समझ के तुमसे डॉक्यूमेंट वापस मांगेंगे, पर तुम देना मत, थोड़ा संभल कर जाना, इस बार हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? मैं हर मामला संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। बस बस यार। मालिनी, क्या हुआ यहाँ पर? वो चोर मैनेजर, अपने मालिनी मैडम और बच्चा सब लेकर भाग गए। किधर? वो कोई निर्मल का नाम ले रहे थे। चलो।
कॉर्नर में है, उसे बचाओ। बलात्कार किसने किया? बता, बता, बता। मोहन, इस गाड़ी से कनेक्शन कट कर दिया है। कैलाश कहाँ है? बता, बोल। बोल कहाँ है कैलाश? ये डॉक्यूमेंट्स देख रही हो? इन डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हें साइन करना है, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वेरी सिंपल। क्या लिखा है इसमें? हम दोनों के बीच में छोटा सा समझौता। तुम किसी पागल का बच्चा पैदा करके अपनी सारी जायदाद उसे देने वाली हो। तुम ऐसा ना कर सको और मैं दर दर का भिखारी न बन जाऊं। उस प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए और जिंदगी की गारंटी के लिए। मुझे क्या पागल समझा है तुमने? मुझे तुमने धोखा दिया है रास्कल। मोहन जो मुझे छोड़ के भाग गया था, तुमसे तो लाख गुना अच्छा है कमीने। मैं मरूंगी तो भी मोहन की धर्म पत्नी बनकर मरूंगी। तुम्हारे जैसे कुत्ते के सामने कभी नहीं झुकूंगी। अरा रा 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 रा। एक गुस्से वाली औरत क्या कहती है देख लिया, अब एक माँ क्या कहती है वो देख लूं? देख लूं ना लोगो। कैलाश प्लीज प्लीज दो, नो प्लीज प्लीज, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। कैलाश कैलाश तुम जहां बोलोगे मैं वहां साइन करने को तैयार हूँ। कैलाश मेरी बेटी को छोड़ दो। दैट्स गुड, बंद कर दो। मदर सेंटीमेंट, ये ठीक किया तुमने, चलो साइन करो। छोरी का मंगलसूत्र है ना, लेकिन ज्यादा सोचकर इसके बारे में परेशान मत हो, हमारी मैरिज असली होगी। हे, लेकर आओ उसे। सोच क्या रही हो? सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे गले में यह मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूँ। नो नहीं तो फिर बच्चे का चैप्टर क्लोज। कैलाश, द गेम इज ओवर। इज्जत से वो कागजात मुझे दे। हाँ, तेरे पार्टनर ने मुझे सब बता दिया है।
अभी माफी मांगेगा, देखोगे क्या? मालिनी, मालिनी ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने ही मोहन को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। उस दिन जब पिकनिक पर हम ऊटी गए थे, उस रात डिनर के बाद मैंने तुम्हारे ड्रिंक में नशे की दवा डाल दी थी। हेलो मालिनी। हेलो, आओ। Why don't you drink something? Oh yes. Thank you. मैं जानता था कि तुम नशे में सिर्फ मोहन का ही ख्याल करोगी। लेकिन उस रात रूम में मैं आया। हेलो मालिनी। ये क्या छोटे बच्चों के जैसे मेरी आंखें बंद कर रहे हो? रुको, मालिनी के रूम से क्या करके आ रहे हो? हैं? अब मुंह दिखाने में शर्म आ रही है क्या? चलो मेरे साथ। आनंद, तुम? Shut up! अपनी जबान बंद रखना, वरना मारे जाओगे। फैसला खुद कर लो, या तो चाकू या ये नोट। 10,000 रुपए हैं। अब सुनो, अब तुम मोहन और मालिनी के बारे में वही बोलोगे जो यहाँ का हर आदमी सुनना चाहेगा। मुझे इससे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पकड़ो कैश। मिस्टर प्रोफेसर, दुनिया के हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए अगर जबान खोली तो अंडरस्टैंड। उस चाकू के डर से उस प्रोफेसर ने वही कहा जो मैं चाहता था। दोषी मैं हूं, मुझे माफ कर दो मालिनी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़ो उसे। अब्बा, छोड़ो मुझे। तुम्हारे ऊपर ब्लेम करके मैंने गलती की, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मालिनी। मोहन, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस पापी ने मेरा तन झूठा कर दिया है। मालिनी, ये क्या कह रही है, सब क्या है? उसके लिए मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मालिनी। दीदी। तुम दोनों के प्यार के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा, इसका ध्यान।